अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, तो कैसे हो आप सब? यार उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो गाइस यार, इस टॉपिक पर तो बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी भाई, ये जो परमानेंटली डिसेबल हो चुके हैं अकाउंट, तो हम इसको जो है किस तरह से ओपन करवा सकें। तो गाइस मैं आपको जो है पहले इसके शॉर्ट्स कुछ बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हो, योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल इफ़ यू थिंक वॉज अबाउट मिस्टेकली, यानी कि आपका बाई मिस्टेकली अकाउंट जो है डिसेबल हो चुका है। तो गाइस यार मैं आपको बता दूँ, यार आज आपको इस वीडियो में जो डिटेल्स बताऊंगा उसको पहले लाजमी से समझ लेना, फिर बाद में जो है वीडियो में जो भी आप नीचे कमेंट करना चाहे कर सकते हो। लेकिन यार आप फिर कहते हो कि भाई तू इतना बोलता है, ऐसे बोलता है, यार आपको कुछ समझाना भी होता है। फिर आप यानी कि अगर कुछ समझ भी ना लगे तो फिर भी यानी कि गालियाँ निकलती हैं, यानी कि आप कॉमेंट्स गालियों से भर देते हो। अगर मतलब कि आपको आराम से भी समझाएं तो फिर भी आप कहते हो कि भाई हमें जो है समझ, जो है आप इतनी वीडियो लंबी बना देते हो। सो यार वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अगर जितनी भी यानी कि इसको शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा, सो मेरे भाई वीडियो के साथ ही रहना। मैं अब आपको जो है ना कुछ शॉर्ट बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जिस भाई की आज जो है आईडी है यहाँ पे देख सकते हो, उसी ने मुझे ये व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप ग्रुप में शॉर्ट यहाँ पे भेजे हुए हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ये देख सकते हो, ये जो अकाउंट है उन्होंने परमानेंटली ही डिसेबल कर दिया। वो किस वजह से किया यहाँ पे देख सकते हो, सभी आपको यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है, जो भी यानी कि आपने जो भी मिस्टेक्स की हुई हैं। उसके बाद यार गाइस मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगर आपको भी कुछ भी प्रॉब्लम है यहाँ पे आ सकते हो। मेरे जो है यहाँ पे ऑफिशियल ग्रुप है मेरा व्हाट्सअप का भी, यार इनबॉक्स करने से यही बेटर है, आप यहाँ पे जो है ना मेरे साथ चैट वगैरह कर सकते हो। अगर यार टाइम जैसे ही मुझे मिलता, मैं यहाँ पे जो है ना क्या करता हूँ कि किसी एक भाई का जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यार आज जिस भाई का सेलेक्ट किया तो उसी ने मुझे ये सेंड किया हुआ है। सो अगर आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे वैसे ट्विटर इंस्टाग्राम कहीं भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ टाइम के लिए ही आता हूँ। अगर आपकी कोई भी जो है प्रॉब्लम है आप यहाँ पे बता सकते हो, और व्हाट्सअप ग्रुप आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके रूल्स को रीड कर लेना। बाद में ये ना हो कि आप मुझे इनबॉक्स कर रहे हो, इनबॉक्स जो भी करेगा मेरे भाई फौरन ही आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सो यार अब हम जो अपने ट्रिक की जानिब चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हो योर अकाउंट हैज़ बीन डिसेबल। तो अब मैं गो टू हेल्प सेंटर पर क्लिक करता हूँ। यार सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा यही लिंक होता है फर्स्ट वाला, कि हम इसी को ट्राई करें, ठीक है। अब यार बहुत से लोगों को लेट अस नो का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का दिखा रहा है, कुछ का सेल्फ से हो जाएगा, कुछ भी यार किसी को कुछ भी यहाँ पे आपको दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर एक बार आराम से रीड करो तो उन्होंने लिखा हुआ है, योर अकाउंट वॉज डिसेबल बिकॉज वी डिटरमाइंड डैट यू आर इनलिजिबल टू यूज़ फेसबुक, ठीक है। उन्होंने इसी वजह से हमारा जो है ना ये वाला फेसबुक का अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया। प्लीज़ रिव्यू दी फेसबुक टर्म्स, उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि आप फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशंस को रिव्यू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। मतलब कि कह रहे हैं कि अगर आपका कोई बाई मिस्टेकली अकाउंट रिमूव हो चुका है तो आप हमारे साथ यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यार फर्स्ट लिंक मैं आपको दोबारा बोल दूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट अस। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे हमें आप कौन सी यानी कि लिंक बताएगा डिसेबल इनलिजिबल, मतलब कि आपको कोई दूसरा लिंक यूज़ करने की कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप इस लिंक को छोड़कर प्लीज़ वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन, कन्फर्म योर आइडेंटिटी वाले लिंक यूज़ करें। लेकिन हाँ यार आप एक तरीके से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि अगर आप अपने अकाउंट को वेरीफाई वगैरह करवाना चाहते हो वेरीफाई इससे भी हो जाएगा, लेकिन यार इसका ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ इनको यहाँ पे अपनी कंडीशन जो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस वजह से हमारा जो है अकाउंट डिसेबल हुआ है, प्लीज़ हमें जो है ना ये ओपन कर दें, ऐसा कर दें, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने यहाँ पे क्या करना है, फुल नेम है जो भी आपकी आईडी का फुल नेम है वो यहाँ पे आपने सबमिट करवा देना। मैं ये सभी डिटेल अभी फिल कर देता हूँ। तो गाइज़ ये आईडी का नेम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो आपने जो है ना इन्फो कौन सी लिखनी है। वैसे यार अपने वर्ड में जितना भी बेटर लिख सकते हो लिख सकते हो, मतलब कि कोई यार दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना मैं लिख देता हूँ हेलो फेसबुक टीम। तो यार मैं अपने से ही लिखने लगा हूँ, अगर आप मुझसे बेटर लिख सकते हो तो लिख लेना हेलो फेसबुक टीम योर। तो यार मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है हेलो फेसबुक टीम योर सिक्योरिटी सिस्टम हैज़ बीन डिसेबल माय फेसबुक माय अकाउंट फॉर विदाउट एनी रीज़न। उसके बाद आपने क्या करना है, न्यू टैब को ओपन करना है और अपनी दोबारा जो है ना उसी टैब में अपनी आईडी को जो है ना लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैं न्यू टैब में भी उसी यानी कि मतलब सेम आईडी को यार मैंने जो है ना यहाँ पे लॉगिन कर लिया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी यहाँ पे आपको आपने पहले एक दफ़ा रीड कर लेना, उन्होंने बोला हुआ है डैट आर इनलिजिबल टू यूज़ फेसबुक, तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है, डिसेबल माई विदाउट एनी रीज़न डैट डैट आई एम यूजिंग फेसबुक विद इनलिजिबल
तो गाइज यार आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से जो भी, यानी कि आपको पहले आपने आराम से देख लेना कि हमें प्रॉब्लम कौन सी दिखा रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो हमने ये सब करना है। मतलब कि अपनी जो भी आप रीज़न यहाँ पे फिल कर दोगे, उसके बाद आप लिख सकते हो कि थैंक फेसबुक टीम, ऐसे कुछ भी अपने से लिख लेना। तो मैं यहाँ से जल्दी से फिल कर दे, तो गाइज मैंने जो है यहाँ पे फिल कर दी हुई है, हेलो फेसबुक टीम, योर सिक्योरिटी सिस्टम हैज़ बीन डिसेबल माई अकाउंट फॉर विदाउट एनी रीज़न डैट आई एम यूजिंग फेसबुक विद इनलिजिबल, प्लीज़ रिव्यू माई फेसबुक अकाउंट, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, रियली आई एम रियल पर्सन नॉट यूजिंग एनी वन फेसबुक अकाउंट, होप यू विल रिव्यू माई अकाउंट एंड रीओपन दिस अकाउंट सून एज सून, थैंक्स फेसबुक टीम। ठीक है ना, इस तरह से आपने लिख लेना है। तो यार मुझसे बेटर लिख सकते हो तो लिख लेना, मैंने तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो सेम जिस तरह भी, मतलब कि जो भी कंडीशंस हैं इस अकाउंट के डिसेबल होने की, जो भी मतलब के वजह है, मैंने वो यहाँ पे इनको बता दी हुई है। सो आप हमारा अकाउंट जो ओपन कर दें, ऐसा कर दें। तो यहाँ पे आपने सेंड पे एक बार जो है ना बिल्कुल अपनी सेम प्रोक्सी से जो इसको सेंड कर देना है। अगर आपको कोई मतलब कि कोई भी यानी कि मेल ना रिसीव हो, कुछ भी वो आपको इन्फॉर्म ना करें, तो यार आपने टच वीपीएन को ओपन करना और सिंगापुर की प्रोक्सी को यूज़ कर लेना है। ठीक है ना, एक बार आपने सिंगापुर की प्रोक्सी लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं जो है सिंगापुर की यहाँ से प्रॉक्सी को सिलेक्ट करवा लेता हूँ। गाइज यार मैं आपको बता दूँ कि यार जो मैंने आज आपको कसम से तरीका बताया बिल्कुल और सिंपल है, और आप आसानी के साथ इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये जो इनलिजिबल की वजह से आपको डिसेबल कर रहे हैं। अगर आपको मेल भी आ चुकी है मतलब कि परमानेंटली डिसेबल हुआ है, तो आज जो है आप मतलब कि इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से एग्री कर देता हूँ। गाइज सिंगापुर की प्रॉक्सी लगाने के बाद आपने यहाँ से भी सेंड कर देना, और जब जहाँ से मतलब कि आपने दूसरे टैब में ओपन किया होगा, तो अब हमने क्या करना है, इन टैब्स को क्लियर कर देना है। अगर फिर भी यार आपका अकाउंट ओपन नहीं कर रहे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ दो लिंक्स को एक बार यूज़ कर लेना है यार। अगर ये वाला एक कंफर्म योर आइडेंटिटी और माय पर्सनल अकाउंट वाज डिसेबल, यार इन लिंक्स को लाजमी सिंगापुर की प्रोक्सी से यूज़ कर लेना। तो यार इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी आईडी जो है 100% ओपन हो जाएगी। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत हो, अपने भाई के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर कहीं भी आ सकते हो, सोशल प्लेट पर। तो मेरे भाई मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहना मेरे भाई। वीडियो भी मैंने यार अपनी तरफ से पूरा इसको जो है ना शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश की है, तो मैंने यानी कि इतने आपको जो ट्रिक्स करके भी नहीं बताए वो कंफर्म योर आइडेंटिटी। तो यार आपको तो पता ही होगा किस तरह से हमने लिंक्स को यूज़ करना है। तो मेरे भाई मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।